देवगढ़ के दशावतार मंदिर की वास्तुकला, देवगढ़ के दशावतार मंदिर की वास्तुकला पंचायतन शैली में निर्मित है। अच्छा, पंचायतन शैली से हम लोग जानते हैं क्या होता है? पंचायतन शैली ये होता है, मतलब ये मंदिर होता है, देखो मेन बीच में यहाँ पे कानपुर में कोई लोग गए हैं पनकी धाम अच्छा गए हैं, तो पंचायतन शैली में निर्मित है। तो बीच में मंदिर होता है, इसके 5 गेट होते हैं, ठीक नहीं मतलब ऐसे हमने इसे बना दिया, ऐसे होता है, 5 गेट होते हैं, इसे पंचमुखी मंदिर इसको भी बोलते हैं। पंचायतन शैली में यही होता है, पंचायत यही होती है पंचायतन शैली, ठीक। मतलब गेट पे जो है छोटे छोटे मंदिर बनाए जाते हैं, मेन मंदिर यहाँ पे होता है, गेट पे छोटे 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 5 मंदिर यहीं पे जो है बना दिए जाते हैं, इसी को कहते हैं पंचायतन शैली, ठीक। इतना सुन लिया बस, बहुत है। और आगे लिखो, इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य, इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य, स्थापत्य से लिखी मंदिर स्थापत्य, इसे गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, स्थापत्य का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है। ठीक, उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इतना उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में स्थित यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को समर्पित है। लोटस टेंपल, लोटस टेंपल, लोटस कमल जैसा, लोटस टेंपल